अगर दिल्ली की सरकार ने किसी चीफ सेक्रेटरी को बांधा है वो गलत है। आई अग्री विथ यू मीनाक्षी। सो अगर दिल्ली में भी गलत है तो महाराष्ट्र में भी गलत है। सो व्हाई कांट वी यूनानिमसली पास दिस? सर एलिगेशंस कांट बी वन वे। एनडीए की मीटिंग होती है उसमें जीके वासन जी, चिराग पासवान जी, कॉनरेड संगमा जी, प्रफुल्ल पटेल जी, दुष्यंत चौटाला जी, ये शायद परिवार नहीं, हम सिर्फ परिवार, वो सब मेरिट और हम सब परिवार। ये थोड़ा सा हम पे अन्याय हो रहा है। मुझे याद है मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आके कहा था कि नेचुरली करप्ट पार्टी इस देश में कौन है, तो वो एनसीपी है। ये इन्होंने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आके किया था। सो कैन आई गेट अ क्लैरिफिकेशन फ्रॉम दिस गवर्नमेंट? नाउ दे आर इन गवर्नमेंट विद देम। जी, बड़ी विनम्रता से मैं सरकार को पूछना चाहती हूँ, बड़ी विनम्रता से। दे टॉक्ड अबाउट मोरालिटी, विच इज अ गुड थिंग, मोरालिटी तो होनी चाहिए। और हमेशा बीजेपी हमको कहती है 2014 और 19 में डंके की चोट पे हमको जनादेश दिया था। अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, इट्स अ डेमोक्रेसी, आप जीते हमारे हम मानते। फिर केजरीवाल जी को एक रूल और इनको एक रूल, ऐसे कैसे? अगर इस देश के, इस दिल्ली ने जनादेश अगर अरविंद केजरीवाल को दिया है तो वो गलत है, लेकिन इनको जनादेश जब मिलता है वो पॉपुलैरिटी, ये कौन सा न्याय होगा? इट्स रियली अनफेयर सर। तो ये लोकतंत्र है, ये कहते हैं केजरीवाल जी को दिल्ली भी मिली और पंजाब भी मिला। हाँ मिला, बट लोकतंत्र है ये सर। सो वेदर यू लाइक इट और नॉट टूडे, वेदर एनीबडी लाइक्स इट और नॉट टूडे, पंजाब एंड दिल्ली इज रूल्ड बाय आम आदमी पार्टी एंड नॉट बाय रिगिंग एनी इलेक्शन। एंड इफ मीनाक्षी लेखी जी सेड रिग हो रहा इलेक्शन, देन व्हाट वॉज योर गवर्नमेंट डूइंग? फिर यू आर सेइंग पंजाब वाज रिग्ड, वाज दिल्ली रिग्ड, इज माय क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट। आई वांट टू आस्क सर, ये नैतिकता की बात कर रहे थे, इनका लीड स्पीकर नैतिकता की बात कर रहा था। व्हाट वाज ही सेइंग नैतिकता? आई डिडंट डिस्टर्ब एनीबॉडी। नैतिकता की बात हो रही थी, इन्होंने कहा कि दिल्ली की जो सेक्रेटरी है उनको पकड़ के मारा। सही है बात, एब्सोल्युटली आई एग्री विथ हर, गलत है। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। सो लेट्स यूनानिमसली से कि अगर गलती हो गई है किसी भी राज्य में, अगर दिल्ली की सरकार ने किसी चीफ सेक्रेटरी को बांधा है वो गलत है। आई अग्री विथ यू मीनाक्षी, इट इज रॉन्ग। बट देन प्लीज टेल द महाराष्ट्र गवर्नमेंट वेयर योर 105 MLAs आर देयर, वहां तीन लोगों ने, एक बीजेपी के MLA ने एक अधिकारी को थप्पड़ मारा, एक बीजेपी MLA ने उसको बांधा, और एक इनके MP जो इनका है उन्होंने भी एक थप्पड़ मारा अधिकारी को। सो अगर दिल्ली में भी गलत है तो महाराष्ट्र में भी गलत है। सो व्हाई कांट वी यूनानिमसली पास दिस? सर एलिगेशन कांट बी वन वे। सर गठबंधन की बात, टू वेरी स्मॉल पॉइंट, उन्होंने गठबंधन की बात की, आई हैव नो प्रॉब्लम, लोकतंत्र में कोई भी गठबंधन करता है। इनको बहुत शौक है दो चीजों को बोलने का, एक बड़े संक्षेप में कह दूंगी और बड़ी विनम्रता से, सिर्फ मैं चेक कर रही हूँ, चेक्स एंड बैलेंसेस इन आवर डेमोक्रेसी सर। इन्हें कहते परिवारवाद, मानती हूँ मैं तो परिवार का प्रोडक्ट हूँ ही, मुझे बहुत अभिमान है जिसकी बेटी हूँ मैं प्रतिभा शरद पवार की बेटी हूँ और मुझे उसका बहुत अभिमान है। लेकिन एक छोटा सा मैं क्लैरिफिकेशन पूछ रही थी कि हमारा परिवार को मेरिट है ही नहीं, लेकिन जब NDA की मीटिंग होती है उसमें जीके वासन जी, चिराग पासवान जी, कॉनरेड संगमा जी, प्रफुल्ल पटेल जी, दुष्यंत चौटाला जी, ये शायद परिवार नहीं, हम सिर्फ परिवार, वो सब मेरिट और हम सब परिवार, ये थोड़ा सा हम पे अन्याय हो रहा है। जस्ट पुटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट। एंड देन अनदर थिंग, सिलेक्टिव एमनीसिया होता है सर, और इंडिया MLA MP मंत्री सारे पहली दूसरी तीसरी पीढ़ी वहां चल जाती है, हम करें तो प्रॉब्लम और नहीं। और अनदर थिंग व्हाट दे सेड, दिस नीड्स टू कम ऑन रिकॉर्ड सर, वेरी स्मॉल पॉइंट विच माई फ्रेंड दयानिधि मरण सेड, NCP इन्होंने भी कहा कि इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हम सबको चोर कहती थी, ठीक है उन्होंने कहा, बट ये भी कहते थे, मुझे याद है मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आके कहा था कि नेचुरली करप्ट पार्टी इस देश में कौन है, तो वो NCP है। ये इन्होंने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आके किया था। सो कैन आई गेट अ क्लैरिफिकेशन फ्रॉम दिस गवर्नमेंट? नाउ दे आर इन गवर्नमेंट विद देम, टेक देयर वर्ड बैक। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इट इज नॉट अ नेचुरली करप्ट पार्टी, इसका जवाब इस सरकार ने देना चाहिए। एंड आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दैट इट डजंट वर्क, सो वेन वी आर अगेंस्ट यू वी आर बैड, वी ज्वाइन यू वी आर गुड, ऐसा नहीं होता। डॉक्टर ST हसन जी, डेमोक्रेटिक सिस्टम, आई स्टैंड हियर अपोजिंग दिस, दे आर इंटिमिडेटिंग पीपल, दिस विल नॉट हैपन, दिस कंट्री हैज ऑलवेज फॉट अगेंस्ट इंटिमिडेशन, वी विल फाइट इट एंड वी विल विन दिस गेम। थैंक यू सर।